हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो? मेरा नाम है भूपेन कोच, मैं अजमल सुपर 40 में बायोलॉजी फैकल्टी हूँ। तो बच्चों, लास्ट के क्लासेस में हम लोग एनिमल किंगडम डिस्कस कर रहे थे और आज हम जो है एनिमल किंगडम को आगे की ओर डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो हमने जो है फाइलम पॉरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा, ये सब हमने ख़त्म कर लिया। तो आज जो हम लोग फाइलम डिस्कस करने वाले हैं बच्चों, वो है प्लेटी हेलमेंथिस, ठीक है ना। और प्लेटी हेलमेंथिस एक खास फाइलम आप लोगों के लिए होने वाला है। क्यों होने वाला है, उसको हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे अभी, ठीक है ना। सो टुडे विल बी डिस्कसिंग फाइलम प्लेटी हेलमेंथिस, ओके। तो आज हम फाइलम प्लेटी हेलमेंथिस को डिस्कस करेंगे। और जब हम फाइलम प्लेटी हेलमेंथिस को बच्चों आज डिस्कस करेंगे, तो आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें जो हैं पहली बार मिलने वाली हैं इस फाइलम में। मतलब कि अगर हम कहें जो इवोल्यूशन होता है, मतलब जो एनिमल्स में चेंजेस आता है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ टाइम। देखो क्या हो रहा है, हमारा जो प्लेनेट है, पहली बार जब उसमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स का फॉर्मेशन हुआ, तो जैसे जैसे अर्थ में समय बीतता गया, उन ऑर्गेनिजम्स में एडवांसमेंट आता गया, ठीक है ना। अब ये जो एनिमल्स हैं, इनमें आपको थोड़ा ज़्यादा एडवांसमेंट देखने को मिलेगा बाकी के फाइलम से, ठीक है ना। क्या क्या एडवांसमेंट आपको इनमें देखने को मिलेगा, ठीक है ना, वो बताता हूँ। सबसे पहले आपको इनमें बाइलेटरल सिमेट्री देखने को मिलेगा, जो बाइलेटरल सिमेट्री हमको पहले के फाइलम्स में नहीं देखने को मिल रहा था, ये एक नया चीज आपको देखने को मिलेगा, ठीक है ना। और आपको इनमें क्या देखने को मिलेगा, जैसे कि आपको इनमें ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलेगा, इनमें आपको ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलेगा जो आपको पहले वाले फाइलम्स में नहीं देखने को मिल रहा था, ठीक है ना। पॉरीफेरा में हमको क्या देखने को मिल रहा था, वो तो सेलुलर ग्रेड थे खाली। फिर आपका टीनोफोरा हो गया या फिर सिलेंट्रेटा हो गया, उनमें टिश्यू बन रहा था, लेकिन अब इनमें ऑर्गन आपको बनता हुआ नजर आएगा, ठीक है ना बच्चों। और इनमें आपको क्या नई नई चीजें देखने को मिलेंगी, जैसे कि अगर इनमें हम लोग बात करें, एक टर्म था ना सूडो सेगमेंटेशन, सूडो सेगमेंटेशन देखने को मिलेगा। मतलब ये सेगमेंटेड एनिमल नहीं है, लेकिन सेगमेंटेशन की जो शुरुआत है इनमें हो चुकी थी आपकी, लेकिन वो अच्छे से नहीं हो पाया डेवलप लेटर ऑन फाइलम्स में। लेकिन आपको जो है ट्रू सेगमेंटेशन देखने को मिलेगा या फिर मेटामेरिक सेगमेंटेशन देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इनमें आपको फॉल्स सेगमेंटेशन भी देखने को मिलेगा, ठीक है ना। अब देखो बाकी के एनिमल्स कहाँ रहते थे, पानी में रहते थे। पॉरीफेरा पानी में मिल रहा था आपको, सिलेंट्रेटा पानी में मिल रहा था, टीनोफोरा पानी में मिल रहा था, आइदर फ्रेश वाटर या फिर मैराइन वाटर। ये पहले एनिमल है जो पानी के बाहर आके जीना सीखे, ठीक है ना। दीज वर द फर्स्ट एनिमल हु केम आउट ऑफ द वाटर एंड अडॉप्टेड देमसेल्फ फॉर द टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट। लेकिन टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में आके ये डायरेक्टली जो है इन्होंने लैंड पे सर्वाइव ये नहीं कर सके, या फिर लैंड पे सर्वाइव करने का अडॉप्टेशन इनमें नहीं आया। लेकिन ये लोग जो है दूसरे एनिमल्स के अंदर खुद को अडाप्ट करने लगे, दूसरे एनिमल्स के अंदर ये खुद के मतलब खुद का जो लाइफ प्रोसेसेस है वो दूसरे एनिमल के अंदर करते थे। तो ज़्यादातर जो ये एनिमल्स होंगे दे विल बी पैरासाइट, पैरासाइट मतलब परजीवी, जो दूसरे एनिमल्स के अंदर जीते हैं आपके। और जब वो दूसरे एनिमल के अंदर जाके जिएंगे, अपने लाइफ साइकिल को कंप्लीट करेंगे, तो उनमें बीमारियां करेंगे ये। सो दे विल बी रेस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग लॉट्स ऑफ डिजीजेस। एक दो डिजीजेस के बारे में मैं आप लोगों के साथ जरूर डिस्कस करूंगा इस लेक्चर में, ठीक है ना। तो ये पहले एनिमल है जो क्या हुआ, पानी के बाहर आए और इन्होंने खुद को टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में अडॉप्ट किया, और ये क्या बने आपके, पैरासाइट बने। सो इनमें क्या आया, पैरासाइटिक अडॉप्टेशन। अडॉप्टेशन मतलब खुद को ढाल लेना, ठीक है ना। तो इन्होंने खुद को किस हिसाब से ढाला, पैरासाइट हिसाब से ढाला या फिर परजीवी के हिसाब से खुद को ढाला। इनमें आपको सबसे पहली बार, जैसे कि मैंने बोला ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, तो इनमें आपको एक ऑर्गन का डेवलपमेंट दिखाई देगा। इनमें आपको सिफिलाइजेशन देखने को मिलेगा, यू विल बी एबल टू सी सिफिलाइजेशन इन देम, ओके। ये जो बच्चों टर्म है सिफिलाइजेशन, इस टर्म का मतलब क्या है, इसका मतलब है फॉर्मेशन ऑफ ब्रेन,
मतलब इनमें एकदम वेल डेवलप्ड एकदम बहुत इंटेलिजेंट ब्रेन नहीं बनेगा, लेकिन इनमें जो है ब्रेन के बनने की शुरुआत हो चुकी है। अब धीरे धीरे अगले वाले फाइलम में हम लोग देखेंगे थोड़ा 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 करके डेवलपमेंट आपका आता जाएगा, ठीक है ना। तो ये जो फाइलम है हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, और इस फाइलम में बहुत सारे ऐसे डेवलपमेंट आपको पढ़ने को मिलेंगे या फिर सीखने को मिलेंगे जो पिछले 3 फाइलम में आपको देखने को नहीं मिला था। तो बच्चों चलो इस फाइलम की जो है हम लोग शुरुआत कर देते हैं। मेरे ख्याल से ये जो इंट्रोडक्शन था आप लोगों के लिए काफ़ी था, और आप लोगों का इंटरेस्ट जो है मेरे ख्याल से आ चुका है अब इस फाइलम को पढ़ने के लिए। लेट्स स्टार्ट। तो शुरुआत हम लोग हर एक फाइलम की जैसे करते हैं उसी तरह से इस फाइलम की भी शुरुआत हम लोग ऐसे ही करेंगे, ठीक है ना। सबसे पहले प्लेटीहेलमिंथिस को हम लोग एक और नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं उनको? हम लोग फ्लैट वॉर्म्स के नाम से भी जानते हैं। ऐसा क्यों? ऐसा इसीलिए द एनिमल्स ऑफ दिस फाइलम आर डॉर्सो वेंट्रली फ्लैट। इसीलिए जो है हम इन एनिमल्स को कौन से नाम से जानते हैं? फ्लैट वॉर्म्स। ये डॉर्सो वेंट्रली फ्लैट होते हैं, मतलब कि मान लो ये वाला हमारा साइड कौन सा है? वेंट्रल साइड है। ये वाला साइड कौन सा है हमारा? डॉर्सल साइड है। तो ये एनिमल पिच के होंगे, इनका जो डॉर्सल और वेंट्रल साइड होगा वो पिचका हुआ होगा, इस तरह से होंगे फ्लैट एनिमल। ये अगर ये वेंट्रल साइड है, ये डॉर्सल साइड है, तो ये पिचका हुआ है ना, तो ये डॉर्सो वेंट्रली फ्लैट एनिमल्स होंगे। साइड से देखोगे तो आपको ऐसा नजर आएगा, सामने से देखोगे तो ऐसा नजर आएगा आपको, ठीक है ना। ओके, सो दीज एनिमल आर योर डॉर्सो वेंट्रली फ्लैट, इसीलिए हम इनको क्या कहते हैं? फ्लैट वॉर्म्स कहते हैं। नाउ लेट्स डिस्कस द जनरल कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द फाइलम। ओके, चलो शुरुआत कर देते हैं। जनरल कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द फाइलम, कौन से फाइलम का जनरल कैरेक्टरिस्टिक फीचर डिस्कस करने वाले हैं? ऑब्वियसली प्लेटीहेलमिंथिस का। तो मैं जो है ऐसे ही लिख देता हूं आप लोगों के लिए, ठीक है ना, लेकिन आप लोगों को यहां पर समझना है वी आर डिस्कसिंग द जनरल कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द एनिमल्स बिलोंगिंग टू द फाइलम प्लेटीहेलमिंथिस, ठीक है ना। तो बच्चों आप लोग बहुत ज़्यादा समझदार हो, अब जैसे जैसे हम लोग पढ़ते जाएंगे तो आप लोगों को जो है और नॉलेज बढ़ता जाएगा, ठीक है ना। बस आप लोगों को ध्यान देना है यहाँ पर, मैं क्या बोल रहा हूँ वो सुनना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले अगर हम लोग हैबिटेट के बारे में बात करें, तो हैबिटेट जैसा कि मैंने कहा कि ये जो एनिमल्स है अब इन्होंने जमीन पर जीना सीख लिया है, बट मोस्टली दे आर योर एंडोपैरासाइट। ये मोस्टली एंडोपैरासाइट, जैसे कि एक एग्जांपल दे दूं मैं, फैसोलिया या फिर फैसियोला, फैसियोला हेपाटिका, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। अब देखो एंडोपैरासाइट, पैरासाइट का तो मैंने बोला आपको परजीवी, एंडो मतलब अंदर, एंडो मतलब इनसाइड। जो पैरासाइट एक होस्ट जिस एनिमल में पैरासाइट आता है रहने के लिए, उस एनिमल को हम लोग कहते हैं होस्ट। उस एनिमल को क्या कहते हैं? होस्ट, ठीक है ना। अगर ये जो पैरासाइट है इस एनिमल के बॉडी के बाहर है, इस एनिमल के अगर बॉडी के बाहर बाहर से ही अगर इससे न्यूट्रिशन ले रहा है, तो उसको हम लोग कहते हैं एक्सोपैरासाइट। और अगर ये पैरासाइट इसके बॉडी के अंदर चला गया और अंदर अंदर से अगर न्यूट्रिशन ले रहा है, तो हम उसको कहते हैं एंडोपैरासाइट। जैसे कि लीच होता है ना, लीच जो हमारा खून चूसता है वो है एक्सोपैरासाइट। वो बाहर बाहर से ही खाली क्या कर रहा है? होस्ट के बॉडी से न्यूट्रिशन ले रहा है। एंडो मतलब वो कहाँ पे जाएगा? उस एनिमल के बॉडी के अंदर चला जाएगा, फूड के साथ अंदर चला जाएगा, उसके इंटेस्टाइन में चला जाएगा, उसके लीवर में चला जाएगा, फिर वहां से वो क्या करेगा? न्यूट्रिशन लेगा। तो ये जो एनिमल है प्लेटीहेलमिंथिस, मैक्सिमम जो ये एनिमल्स क्या है, दे आर योर एंडोपैरासाइट, और इसीलिए ये जो है जानवरों में बीमारियां करते हैं, ठीक है ना। तो मेरे ख्याल से समझ गए होंगे आप लोग। ओके,
नेक्स्ट अगर हम देखें, कुछ एनिमल ऐसे होते हैं जो पैरासाइट नहीं होते, फ्री लिविंग होते हैं, ठीक है ना। सम आर फ्री लिविंग, फ्री लिविंग मतलब दे आर नॉट पैरासाइट, ठीक है ना, और ये मेनली एक्वाटिक होते हैं। अभी एक्वाटिक है मतलब कि इनमें उतना डेवलपमेंट नहीं आया, ये पानी के बाहर नहीं आया, ये पानी में ही है, तो ये होंगे प्रिमिटिव, दे विल बी योर प्रिमिटिव प्लेटीहेलमिंथेस, और ये फ्री लिविंग होंगे आपके, ठीक है। जिसके एग्जाम्पल अगर हम लोग दे दें यहां पर प्लेनेरिया, एग्जाम्पल इज अ प्लेनेरिया जो एक फ्रेश वाटर में मिलता है हमको, ठीक है ना, वी फाइंड इट इन फ्रेश वाटर। चलो मैं अभी फ्रेश वाटर लिख देता हूं, तो ये हमको फ्रेश वाटर में मिलेगा, ये फ्री लिविंग होता है, ये पैरासाइट नहीं होता है, अपना खाना खुद ढूंढता है और वो खाता है, ठीक है ना। ओके, किसी भी एनिमल के ऊपर वो डिपेंड नहीं होता है आपका, लेकिन पैरासाइट जो होते हैं वो अपने होस्ट के ऊपर डिपेंड होते हैं, ठीक है ना। ओके, नेक्स्ट अगर हम इनके बॉडी सिमेट्री के बारे में बात कर लें, जैसा कि मैंने आपको बताया, तो इनका जो बॉडी सिमेट्री होगा बच्चों, इनमें अब बाइलेटरल सिमेट्री आ जाएगा, ठीक है ना। जैसे कि अगर मैं एक प्लेनेरिया को यहां पे ड्रॉ कर दूं, तो इनमें जो है आपको अब क्या देखने को मिलेगा, बाइलेटरल सिमेट्री देखने को मिलेगा। आप प्लेन को और किसी भी एक्सिस से पास कर लो, आपको दो इक्वल जो है हाफ देखने को नहीं मिलेंगे। ये हायर एनिमल का आपका क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है आपका, तो इनमें आपको बाइलेटरल सिमेट्री देखने को मिलेगा। अब अगर हम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, जैसा कि मैंने बोला ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गन सिस्टम नहीं लेकिन ऑर्गन लेवल, ठीक है ना, कुछ कुछ ऑर्गन का इनमें फॉर्मेशन होना स्टार्ट होगा, जैसे कि मैंने कहा ब्रेन के फॉर्मेशन का इनमें क्या होगा, स्टार्ट होगा, ठीक है। तो ये पहला फाइलम है, अगर आपको नीट में क्वेश्चन पूछ लिया जाए विच इज द फर्स्ट फाइलम टू रीच द ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन में जरूर आपको क्या मिल जाएगा, प्लेटीहेलमिंथेस मिल जाएगा, या फिर फ्लैटवर्म्स भी मिल सकता है ऑप्शन में आपको, या फिर इसी फाइलम के किसी एनिमल का नाम दे देंगे, जैसे कि प्लेनेरिया दे दिया या फिर फैसोलिया दे दिया, तो तुरंत आपको आइडेंटिफाई करना है इसमें से प्लेटीहेलमिंथेस कौन सा है और उसको टिक लगाना है। समझ पा रहे हो बच्चों? तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज योर ऑर्गन लेवल, तो दिस इज द फर्स्ट फाइलम टू रीच ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना। अब जैसा कि मैंने कहा इनमें एक एकदम बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट ऑर्गन का फॉर्मेशन होना स्टार्ट हुआ, वो था ब्रेन। तो उसके लिए मैंने आपको टर्म बताया था, ब्रेन के फॉर्मेशन के लिए क्या टर्म होता है, द टर्म इज योर सिफिलाइजेशन, दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ ब्रेन, या फिर प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ब्रेन। ओके, तो इनमें क्या हुआ, सिफिलाइजेशन हमको देखने को मिला, मतलब पहली बार इनमें ब्रेन का फॉर्मेशन होना स्टार्ट हुआ, लेकिन एकदम हाई फाई वेल डेवलप्ड इंसानों जैसा ब्रेन नहीं, एकदम प्रिमिटिव ब्रेन। कैसा ब्रेन था मैं आपको अभी बता रहा हूं, ठीक है ना। तो ये आपको मैं बताता हूं नर्वस सिस्टम में, देखो इनमें नर्वस सिस्टम कैसा था, इनमें जो अब न्यूरॉन का फॉर्मेशन कौन से फाइलम में सबसे पहले हो गया था, ये आंसर कमेंट में मेरे को जरूर बताइए, ठीक है ना। न्यूरॉन का फॉर्मेशन कौन से फाइलम में सबसे पहली बार हमको देखने को मिला, आंसर कमेंट में बताइए बच्चों, ठीक है ना, आप लोग बता पाओगे। अब उस फाइलम में तो न्यूरॉन का फॉर्मेशन हो चुका था,
अब इनमें उन्हीं न्यूरॉन्स ने ग्रुपिंग कर लिया, ग्रुप बना लिया, क्लस्टर बना लिया, ठीक है। तो एक प्लेनेरिया को चलो हम दोबारा से ड्रॉ करते हैं यहां पर। अगर उसको प्लेनेरिया को ऐसे साइड से देखने जाए, सामने से देखेंगे तो प्लेनेरिया हमको कैसा दिखेगा, कुछ इस तरह से हमको ये प्लेनेरिया दिखने वाला है, जो मैंने कहा था ना फ्री लिविंग होता है, फ्रेश वाटर में मिलता है। अगर इसको हम ऐसे देखने जाएं तो ये कुछ हमको जो है कुछ हमको, चलो साइड से मैं भी ऐसे ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है। मेनली हमको कॉन्सेप्ट यहाँ पर देखना है, ड्राइंग कंपटीशन तो नहीं चल रहा है हमारा यहाँ पे, ठीक है ना। तो ऐसे ही मैं ड्रॉ कर देता हूँ। तो याद रखना, एक बात याद रखना, हमेशा जो नॉन कॉर्डेट्स होते हैं उनमें हमेशा जो नर्व कॉर्ड का फॉर्मेशन होता है वो वेंट्रल साइड में होता है, और कॉर्डेट्स में जो नर्व कॉर्ड का फॉर्मेशन होता है वो आपका होता है डॉर्सल साइड में। हमारा जो नर्व कॉर्ड है वो अभी स्पाइनल कॉर्ड बन चुका है, लेकिन वो हमारे कौन से साइड में, डॉर्सल साइड में। और ये हम जब कॉर्डेट पढ़ेंगे मैं बताऊंगा, ठीक है ना। ओके, अभी याद रखिए जस्ट। तो ये आपका क्या है, नॉन कॉर्डेट है ना आपका, ये फाइलम प्लेटी हेलमेंटिस है ना। तो इनमें क्या होता है बच्चों, सबसे पहले तो जो ब्रेन का फॉर्मेशन कैसे होता है, सिंपल सा मान लो ये एक न्यूरॉन है। न्यूरॉन इज अ सिंगल नर्व सेल, एक ही नर्व का सेल को न्यूरॉन कहते हैं। तो बहुत सारे न्यूरॉन आपके क्या होते हैं, एक जगह पर इकट्ठा हो जाते हैं, ओके, इस तरह से। और इसको हम लोग कहते हैं गैंग्लियन। तो आज एक नया टर्म मिला आपको, गैंग्लियन। गैंग्लियन किसको कहेंगे हम लोग, ग्रुप या फिर क्लस्टर ऑफ न्यूरॉन, इसको हम लोग कहते हैं गैंग्लियन। बस यही था इनका ब्रेन, बस कुछ न्यूरॉन्स। देखो पहले क्या था, पहले के फाइलम्स में क्या था, तो न्यूरॉन था खाली, वो पूरे बॉडी में बिखरे हुए पड़े थे, डिफ्यूज टाइप था। लेकिन अब यहां पर न्यूरॉन जो है ग्रुपिंग करने लगे, क्लस्टर बनाने लगे, और क्या बना, गैंग्लियन, ठीक है ना। तो इनमें जो ब्रेन होगा वो किस फॉर्म में होगा, गैंग्लियन के फॉर्म में होगा। तो ऐसे जो है बहुत सारे आपको गैंग्लियन देखने को मिलेंगे। तो इसका टर्म था सिफेलिक गैंग्लियन। ठीक है ना, सिफेलिक गैंग्लियन मतलब है, वैसे तो हेड इनका होता नहीं है, फिर भी क्योंकि ये ब्रेन का फॉर्म, इनमें ब्रेन यही है अभी, सिफेलिक गैंग्लियन को ही इनमें ब्रेन माना जाता है, ठीक है ना। अब बोलोगे सर ब्रेन बोल रहे थे, कहां ब्रेन है, यही है सिफेलिक गैंग्लियन, इसी को इनमें ब्रेन माना जाता है, ठीक है ना। ओके, क्योंकि जस्ट शुरुआत हुई है बच्चों, शुरुआत हुई है खाली, ठीक है ना। अब इनमें दो नर्व कॉर्ड यहां से लेके ये वेंट्रल साइड से दो नर्व कॉर्ड पूरे बॉडी में जाएंगे, इस तरह से टू नर्व कॉर्ड, एक गैंग्लियन है ना, टू नर्व कॉर्ड पूरे बॉडी में जाएगा इनका, ठीक है ना, इस तरह से। तो डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड कह सकते हो, या फिर आप लोग जो है टू वेंट्रल नर्व कॉर्ड कह सकते हो। और ये जो नर्व कॉर्ड है मैंने यहाँ पे दो ड्रॉ किया है, ये कभी कभी तीन भी हो सकता है आपका, कुछ कुछ प्लेटी हेलमेंटिस में, ठीक है ना। ये जो दो नर्व कॉर्ड इसके पूरे बॉडी के वेंट्रल साइड से पास हुआ है, ये नर्व कॉर्ड फिर से कुछ न्यूरॉन्स से आपस में जुड़ा हुआ होता है, इस तरह से कुछ न्यूरॉन इसको आपस में दोबारा से ऐसे जोड़ के रखेंगे, है ना, इंटरेस्टिंग, ओके। अब ये किसकी तरह लग रहा है, अब ये आपको देख के कैसा लग रहा है, सीढ़ी की तरह लग रहा है कि नहीं, सीढ़ी जो चढ़ते हैं हम लोग इस तरह से, है ना। तो इस तरह के नर्वस सिस्टम को कहते हैं लैडर लाइक नर्वस सिस्टम। इस टर्म को दिमाग में छाप लीजिए, नीट में पूछा जाता है लैडर लाइक नर्वस सिस्टम आपको कौन से फाइलम में देखने को मिलेगा, आंसर प्लेटी हेलमेंटिस, ठीक है ना। ओके, तो थोड़ा सा आप लोगों के लिए मैं यहां पर थ्योरी लिख देता हूं नर्वस सिस्टम के ऊपर। तो नर्वस सिस्टम समझ गए ना आप लोग बच्चों, तो नर्वस सिस्टम फिर से अगर बात करें, प्रिमिटिव नर्वस सिस्टम, प्रिमिटिव नर्वस सिस्टम होगा इसमें क्या होगा, कंसिस्ट ऑफ सेरेब्रल गैंग्लियन जिसको हम लोग क्या कह रहे हैं, ब्रेन, इनका ब्रेन यही है, एंड वेंट्रल नर्व कॉर्ड। ये आपका कितना हो सकता है,
टू से लेके थ्री हो सकता है, लेकिन कॉमनली हमको जो है टू ही देखने को मिलता है। एंड दिस नर्व कॉर्ड आर अगेन कनेक्टेड बाय आर अगेन इंटरकनेक्टेड अगेन इंटरकनेक्टेड बाय न्यूरॉन्स। ओके, एंड दिस टाइप ऑफ नर्वस सिस्टम इज नोन एज योर लैडर। लैडर का मतलब होता है सीढ़ी, लैडर लाइक नर्वस सिस्टम। एकदम दिमाग में छप जाना चाहिए लैडर लाइक नर्वस सिस्टम आपको कहां पे देखने को मिलता है। लैडर लाइक नर्वस सिस्टम आपको प्लेटी हेलमेंथिस में देखने को मिलता है। तो मेरे ख्याल से जो है आपको नर्वस सिस्टम के बारे में क्लियर है बच्चों, बड़ा सिंपल सा था, है कि नहीं? ओके, तो नर्वस सिस्टम हमको क्या पता चला, जो न्यूरॉन्स थे, क्वेश्चन क्या पूछा था मुझे याद है, कमेंट में आंसर जरूर मारिएगा, ठीक है ना? तो जो न्यूरॉन्स है वो यहाँ पर इकट्ठा होने लगेंगे, गैंग्लियन बनाएंगे। गैंग्लियन क्या है? इट इज अ ग्रुप और क्लस्टर, क्लस्टर ग्रुप को ही कहते हैं हम लोग, ठीक है ना? तो क्लस्टर ऑफ न्यूरॉन्स, और यहाँ पर गैंग्लियन बनेंगे आपके बहुत सारे, तो सिफेलिक गैंग्लियन जिनको कह रहे हैं। यहीं से ही दो वेंट्रल नर्व कॉर्ड जाएंगे और इनको जो है फिर कुछ न्यूरॉन जो है आपस में जोड़ेंगे आपका, ठीक है ना? तो धीरे धीरे देखिए नर्वस सिस्टम का फॉर्मेशन का स्टार्ट हो रहा है आपका, है कि नहीं? तो इस तरह के नर्वस सिस्टम को क्या कह रहे हैं? लैडर लाइक नर्वस सिस्टम। तो आगे बढ़े बच्चों, ठीक है? तो उम्मीद है समझ गए होंगे आप लोग, ठीक है ना? इतना आसान है ना ये सब। तो एनिमल किंगडम में इंटरेस्ट शायद बच्चों अभी आ रहा होगा आप लोगों का, है कि नहीं? क्योंकि एनिमल किंगडम बच्चों इस चैप्टर का वेटेज सबसे ज्यादा होता है नीट में, ठीक है ना? तीन से चार क्वेश्चन आते हैं किसी भी चैप्टर में से, तीन से चार क्वेश्चन नहीं आते। ओके, यहां से जो है आपको तीन से चार क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे, तो वेटेज देखिए कितना ज्यादा है आपका, ठीक है ना? ओके, हम बात करते करते टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। नेक्स्ट जो है नंबर ऑफ जर्म लेयर, तो अब नंबर ऑफ जर्म लेयर में भी आपको एडवांसमेंट देखने को मिलेगा। अब से पहले हम लोग पढ़ रहे थे कि एनिमल्स जो थे आपके डिप्लोब्लास्टिक थे, लेकिन अब जो है फाइलम प्लेटी हेलमेंथिस हो गया आपका ट्रिप्लोब्लास्टिक। मतलब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के टाइम पर आपको इनमें तीन जर्म लेयर देखने को मिलेगा, ठीक है ना? ओके, सो दे आर योर ट्रिप्लोब्लास्टिक। ओके, और आपको यहां पर तीन जर्म लेयर देखने को मिलेगा, दैट इज द एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म, ठीक है? अब देखो, अब मैं इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूं आप लोगों को, ठीक है ना? जैसे कि हम लोग एक फैसोलिया को ड्रॉ करते हैं, यहां पर फैसोलिया का जो शेप होता है बच्चों पेड़ की पत्ती की तरह होता है, लीफ की तरह होता है, और पेड़ का पत्ती जैसे चपटा होता है ना, ये एनिमल भी वैसे ही चपटा होता है, ये पत्ते की तरह है, साइड से देखोगे तो ऐसा होगा, चपटा होगा, ठीक है ना? यहां पर आपको एक सकर देखने को मिलेगा और इसी सकर में इसका माउथ भी होगा, और ये इसका क्या होगा, दिस इज द एलिमेंट्री कैनल। मतलब कि यहां पर कोई ओपनिंग नहीं है, मतलब आपको शायद पता चल गया होगा कि इनका भी जो है डाइजेस्टिव सिस्टम इनकम्प्लीट होता है, ठीक है ना? तो इनमें डाइजेस्टिव इनकम्प्लीट होता है क्योंकि एक ही ओपनिंग है, एक ही ओपनिंग जो है माउथ का भी काम कर रहा है, एक ही ओपनिंग जो है आपका एनस का भी काम कर रहा है, ठीक है? लेकिन मैं कुछ और बताना चाहता हूं, जर्म लेयर से रिलेटेड कुछ बताना चाहता हूं। अगर इन एनिमल के सिलोम की बात करें, दे आर योर ए सिलोमेट, मतलब कि जो मीजोडर्म है, मीजोडर्म ने कोई भी कैविटी इनमें फॉर्मेशन नहीं किया, ठीक है ना? मीजोडर्म ने इनमें कोई भी कैविटी का फॉर्मेशन नहीं किया। ये अगर बॉडी वॉल है एंड दिस इज द गट वॉल, तो बॉडी वॉल और गट वॉल के बीच में आपका अगर हमको स्पेस नजर आ रहा है तो हम उसको कहते हैं सिलोम। यहां पे आपको वो नजर आने वाला नहीं है।
तो क्या होगा फिर, मीजोडर्म ने जो है यहां पर एक टिश्यू का फॉर्मेशन किया, एक पिक्यूलियर टिश्यू का फॉर्मेशन किया यहां पर मीजोडर्म ने, इट हैज फॉर्म्ड अ टिश्यू बिटवीन द बॉडी वॉल एंड द गट वॉल। और इस टिश्यू का जो फंक्शन होता है वो माना जाता है बॉडी में हर जगह पर न्यूट्रिएंट्स को सप्लाई करना होता है, क्योंकि इनमें सर्कुलेटरी सिस्टम एब्सेंट होता है बच्चों, दे एब्सेंट सर्कुलेटरी सिस्टम, ओके, दे डू नॉट हैव सर्कुलेटरी सिस्टम। तो यहां पर कोई भी आपको सिलोम देखने को नहीं मिलेगा, एनिमल होगा ए सिलोमेट। और यहां पर बॉडी वॉल और गट वॉल के बीच में मीजोडर्म आपका एक टिश्यू बना लेगा जो भर देगा पूरा का पूरा जो बॉडी वॉल और गट वॉल के बीच का जो जगह है, और इस टिश्यू का जो नाम है वो होगा पैरेन्काइमा। द नेम ऑफ दिस टिश्यू इज योर पैरेन्काइमा, ठीक है ना। और इसका फंक्शन मैंने क्या बताया, इसका फंक्शन होता है ये जो फूड वगैरह है या फिर जो न्यूट्रिएंट वगैरह है उसको पूरे बॉडी में अच्छे से क्या करेगा, सर्कुलेट करेगा या फिर उसको डिस्ट्रीब्यूट करेगा। सर्कुलेट करना गलत वर्ड होगा, डिस्ट्रीब्यूट करना आपका सही वर्ड होगा, ठीक है ना, ओके। तो मेरे ख्याल से बॉडी जो भी जर्म लेयर है उसके बारे में आप लोगों का क्लियर हो गया। ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल है, मीजोडर्म आपको देखने को मिल रहा है, लेकिन बॉडी कैविटी आपको देखने को नहीं मिलेगा, एनिमल एसिलोमेट है। और बॉडी वॉल और गट वॉल के बीच में आपको एक टिश्यू देखने को मिलेगा जिसको कहेंगे पैरेन्काइमा। पूछा जाता है पैरेन्काइमा फिर से कौन से एनिमल में आपको देखने को मिलेगा या फिर कौन से फाइलम के एनिमल में देखने को मिलेगा, ठीक है ना। तो इसको आप गलत नहीं करोगे। और बॉडी फॉर्म के बारे में अगर बात करें तो ऑब्वियसली दे आर योर डोर्सो वेंट्रली फ्लैट। बॉडी फॉर्म के बारे में बात करें तो मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया, ये डोर्सो वेंट्रली फ्लैट होते हैं, ऑलरेडी मैंने आप लोगों को समझा दिया, ठीक है। अगर हम बात करें स्केलेटल सिस्टम के बारे में तो इनमें जो स्केलेटल सिस्टम एब्सेंट होता है, चाहे वो एंडोस्केलेटन हो या एक्सोस्केलेटन हो, दोनों ही एब्सेंट होता है, एब्सेंट बोथ एंडो एंडोस्केलेटन और एक्सोस्केलेटन, ठीक है ना। तो एंडोस्केलेटन हो गया या फिर एक्सोस्केलेटन हो गया, वो आपका दोनों ही इनमें आपको क्या देखने को मिलेगा, एब्सेंट देखने को मिलेगा, ठीक है ना, ओके, क्लियर है। क्योंकि एक्सकेलेटल सिस्टम इनको जरूरत नहीं होती क्योंकि ज्यादातर ये क्या होते हैं, होस्ट के बॉडी के अंदर ही रहते हैं, ठीक है ना। अब बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीजें हमने डिस्कस की और बहुत सारी चीजें आप लोगों को जो है पहली बार इस फाइलम में मिल रही है कि नहीं बच्चों। अब देखते हैं कि इनमें रेस्पिरेशन वगैरह कैसे होता है, ठीक है ना। तो रेस्पिरेशन की बात करें तो ये होगा थ्रू जनरल बॉडी सरफेस, थ्रू जनरल बॉडी सरफेस ही आपका रेस्पिरेशन होगा। और प्रोसेस क्या होगा, डिफ्यूजन। सर्कुलेटरी सिस्टम के अगर बारे में बात करें तो सर्कुलेटरी सिस्टम इनमें आपका एब्सेंट रहेगा, जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले बताया, ठीक है ना। अब नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट चीज हम लोग डिस्कस करने वाले, डाइजेस्टिव सिस्टम, जो मैंने फिर से आप लोगों को बता ही दिया था। क्या बताया था मैंने, डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट होगा इनकम्प्लीट, इट वुड बी योर इनकम्प्लीट। लेकिन इनकम्प्लीट होगा जो फ्री लिविंग होंगे, जैसे कि प्लेनेरिया मैंने एग्जांपल दिया था, लेकिन जो पैरासाइट होते हैं ना, इन पैरासाइटिक फॉर्म्स डाइजेस्टिव सिस्टम एब्सेंट, डाइजेस्टिव सिस्टम एब्सेंट।
देखो जो पैरासाइटिक फॉर्म होता है उनमें डाइजेस्टिव सिस्टम क्यों एब्सेंट होता है, क्योंकि उनको डाइजेशन करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, वो होस्ट के बॉडी के इंटेस्टाइन में रहते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में होस्ट का बॉडी खुद फूड को क्या करता है, डाइजेस्ट करता है, कंप्लीट डाइजेशन हो जाता है, तो उनको ऑलरेडी डाइजेस्टेड फूड मिलता है, तो डाइजेस्टिव सिस्टम की क्या जरूरत, इसलिए उनमें डाइजेस्टिव सिस्टम डेवलप ही नहीं हुआ। ठीक है, कॉन्सेप्ट को समझ गए होंगे शायद आप लोग। नेक्स्ट हम लोग जो है प्लेटी हेलमेंथिस में जो पैरासाइट्स हैं उनके बारे में कुछ हम लोग इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस करते हैं, ठीक है ना। तो मैं आपको दो तीन पॉइंट बोलने वाला हूं, इन पॉइंट को थोड़ा सा आप लोग गौर दे के सुनिए, ओके। सो टॉपिक है पैरासाइटिक एडाप्टेशन। पैरासाइटिक एडाप्टेशन क्या होता है आप, ठीक है ना। पैरासाइटिक एडाप्टेशन देखो, जैसे कि एक ह्यूमन है, ऐसे ही ड्रॉ कर रहा हूं मैं आप लोगों को समझाने के लिए रफली। मैक्सिमम जो पैरासाइट्स एक ह्यूमन के बॉडी में आते हैं कहां से आते हैं, मैक्सिमम तरीका होता है ओरल रूट से, आइदर फूड के साथ आएंगे नहीं तो वाटर के साथ आएंगे, ठीक है ना। अब हमारे बॉडी में बहुत सारे चीजें होती हैं, जैसे कि अगर कोई पैरासाइट फूड के साथ उस एनिमल हमारे बॉडी में आ गया है, देखो कितना अजीब सा इंसान है ना ओके थोड़े बाल ड्रॉ कर देते, चलो इसका अब अच्छा लगेगा, कान भी बना देते इसके, ठीक है ना। ओके चलो टाइम पास नहीं करेंगे। अब क्या होगा आपका, देखो कोई भी पैरासाइट अगर वो फूड के साथ एंटर करता है तो हमारे बकल कैविटी में, जो बकल कैविटी है यहां पर एक चीज रिलीज होता है, वो था सलाइवा। और सलाइवा में कुछ लाइटिक एंजाइम होते हैं, इसको कहते हैं लाइजोजाइम। ये जो लाइजोजाइम होता है ये एंटीबैक्टीरियल होता है, या फिर ये क्या होता है आपका, एंटीबैक्टीरियल तो होता ही है, या फिर कोई भी दूसरा पैथोजन भी अगर आए तो उसको ये क्या करता है, किल करता है, उसके सेल्स को ये डाइजेस्ट करा देगा आपका और वो एनिमल मर जाएगा आपका, ठीक है ना। ओके तो पहली बात तो वो सलाइवा से उसको बचना पड़ेगा, ठीक है ना, नहीं तो वो मुंह में ही मर जाएगा आपका कोई पैरासाइट अगर बॉडी के अंदर आ रहा है। और प्लेटी हेलमेंथिस कैसे होता है, छोटे छोटे होते हैं आपके, माइक्रोस्कोपिक, ऐसा नहीं बड़े बड़े हो गए मुंह के अंदर घुस ही नहीं रहा, ऐसा नहीं है, छोटे छोटे, ठीक है ना। ओके मैक्सिमम लेंथ 1 सेंटीमीटर होगा, हाँ जब वो बड़े हो जाएंगे, मैच्योर हो जाएंगे होस्ट के बॉडी के अंदर, तब लेकिन उनका लेंथ बहुत बड़ा हो सकता है, ठीक है ना। लेकिन जो इन्फेक्टिव स्टेज होता है वो छोटे छोटे ही होते हैं। तो सबसे पहली बात तो सलाइवा उनको किल कर देगा, चलो मान लो सलाइवा से बच गया वो। सलाइवा से बचने के बाद स्टमक में होता है HCl, जो हाईली एसिडिक होता है HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से तो बचेगा ही नहीं आपका वो, ठीक है ना। फिर अगर स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में बात करें, हाँ स्मॉल इंटेस्टाइन में बच सकता है क्योंकि यहाँ पर अल्कलाइन मीडियम होता है, वो सर्वाइव कर सकता है आपका, लेकिन इन सब चीज़ों से उसको बचना पड़ेगा। अब इन सब चीज़ों से बचने के लिए उसका क्या एडाप्टेशन होगा, क्या तरीके होंगे, वही है पैरासाइटिक एडाप्टेशन। एक और बात, अगर मान लो वो स्मॉल इंटेस्टाइन तक पहुंच भी गया पैरासाइट, अब हमारा जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो मूव करेगा, स्मॉल इंटेस्टाइन से जाएगा लार्ज इंटेस्टाइन जाएगा बॉडी के बाहर, तो अनडाइजेस्टेड फूड के साथ भी तो बॉडी के बाहर चला गया, फिर क्या लाभ हुआ उसका। तो ऐसे क्या पैरासाइटिक एडाप्टेशन होंगे, ऐसे क्या तरीके वो अपने अंदर डेवलप करेगा पैरासाइट की, वो आपका एक होस्ट के बॉडी के अंदर, मैंने ह्यूमन ड्रॉ किया है, ये कोई दूसरा एनिमल भी हो सकता है, ये आपका काउ हो सकता है, सीप हो सकता है, ये जो प्लेटी हेलमेंटिस है बहुत सारे एनिमल को अपना होस्ट बनाते हैं, ठीक है बच्चों। देखते हैं क्या पैरासाइटिक एडाप्टेशन होगा। तो मेरे ख्याल समझ गए होंगे पैरासाइटिक एडाप्टेशन, अब इतने इससे ज़्यादा इजीली अब हम कैसे समझाएं आपको, है कि नहीं। अगर आपको अच्छा लगा लाइक कर दीजिए वीडियो को, ठीक है ना बच्चों। ओके पैरासाइटिक एडाप्टेशन, तो पैरासाइटिक एडाप्टेशन में सबसे पहला एडाप्टेशन क्या होता है, सबसे पहला एडाप्टेशन था हुक्स। हुक्स क्या होते हैं, मान लो ये एनिमल है, इस एनिमल में कुछ इस तरह से कांटेदार स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेंगे लाइक दिस,
हुक्स, ठीक है ना। मछली पकड़ने के लिए हम लोग यूज करते हैं ना हुक, एंगलिंग करते हैं ना एंगलिंग। एंगलिंग का क्या होता है, सुना है कभी एंगलिंग का मतलब? असमीस में अगर कहें बोरोखी बाउंस है, बोरोखी बोरोखी बुआ, तो इंग्लिश और एंगलिंग भी कहे एंगलिंग। ओके, तो जब एंगलिंग करते हैं हम लोग, देखना सामने किस तरह का कांटा लगा देते हैं, ये मछली के मुंह में फंस जाता जाके, है कि नहीं? सेम इनका हुक होता है बच्चों। ये एडिसिव स्ट्रक्चर की तरह काम करता है, जिसके हेल्प से ये होस्ट के इंटरनल ऑर्गन के साथ खुद को चिपका लेता है, काम खत्म। ये है हुक्स का फंक्शन, ये पहला इनका अडाप्टेशन है, ठीक है ना। ओके, सो दे आर योर एडिसिव स्ट्रक्चर्स। एडिसिव स्ट्रक्चर का मतलब, एडिसिव मतलब जो चीज चिपकता है, चिपकने की प्रॉपर्टी रखता है। एडिसिव स्ट्रक्चर helps the parasite to get attached with the host internal organs। तो ये host के internal organs के साथ जो है चिपकने में आपका क्या करेगा, help करेगा, ठीक है ना। ये पहला हो गया पैरासाइटिक एडाप्टेशन। दूसरा पैरासाइटिक एडाप्टेशन के बारे में अगर बात करें, तो दूसरा पैरासाइटिक एडाप्टेशन तो सकर्स। ये सकर्स भी आपका क्या होता है, ये चिपकने, जैसे कि आपने देखा था ना, ये जो लीच होता है उसका सामने वाला जो लीच होता है ना, लीच, अब एक्चुअली हम प्लेटी हेलमेंथिस की बात कर रहे हैं, चलो प्लेटी हेलमेंथिस ही बोलता हूं मैं, लीच के बारे में नहीं बोलूंगा। फिर से फेसोलिया हेपाटिका को हम लोग यहाँ पर ड्रॉ करते हैं इस तरह से, और इसका जो ऊपर वाला सरफेस होता है ना, ये इसमें एक सकर होता है, सकर इस तरह से। ये खुद को क्या कर सकता है, ये जो सकर है खुद को ये होस्ट के बॉडी के साथ अंदर इंटरनल ऑर्गेन के साथ खुद को इस तरह से चिपका सकता है, लाइक दिस। सकर एक और काम कर सकता है, ये जो है उसके बॉडी से जो भी फूड वगैरह है उसको भी ये क्या कर सकता है, न्यूट्रिशन वगैरह भी ले सकता है, ठीक है ना। तो ये एडिसिव ऑर्गन की तरह भी काम करता है, और ये फूड को खाने में भी हेल्प करता है होस्ट के बॉडी से, ठीक है ना। तो देयर आर एडिसिव सकर्स हेल्प इन एडिशन एज वेल as ingestion of food। अब देखो बच्चों, कुछ सकर ऐसे होते हैं जो खाली चिपकने में ही पैरासाइट को हेल्प करेंगे, और कुछ सकर ऐसे होते हैं जो चिपकने में भी हेल्प करेंगे, साथ ही साथ फूड को इंजेस्ट करने में भी हेल्प करेंगे। लेकिन जितना डिटेल चाहिए मैं उतना दे रहा हूं, इससे ज्यादा आप लोगों को जो है और जानने की जरूरत नहीं है, ठीक है, नीट और एम्स के लिए काफी है बच्चों। नेक्स्ट एडाप्टेशन, डायरेक्ट एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड या फिर न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द बॉडी सरफेस। मतलब, और ये जो प्रोसेस चलता है डिफ्यूजन से, देखो सिंपल सी बात है, अगर मैं यहां पर एक इंटेस्टाइन का एक थोड़ा सा पार्ट ड्रॉ कर दूं, खाली स्मॉल इंटेस्टाइन का एक थोड़ा सा मैंने पार्ट ड्रॉ कर दिया आप लोगों के लिए यहां पर, ठीक है ना। अब पैरासाइट का अगर डाइजेस्टिव सिस्टम, मैंने कहा था एबसेंट होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम एबसेंट होता है मतलब माउथ भी तो एबसेंट है ना। तो ये मान लो पैरासाइट है अपना, दिस इज द पैरासाइट, ये स्मॉल इंटेस्टाइन में है। अब ये जनरल बॉडी सरफेस से ही जो है आपका क्या कर, ये चिपका रहेगा ना हुक्स और सकर्स के हेल्प से, इस स्मॉल इंटेस्टाइन के वॉल में चिपका रहेगा। और ये जनरल बॉडी सरफेस से ही, मतलब मान लो ये पैरासाइट है, ये पैरासाइट है, ये जनरल बॉडी सरफेस से ही जो है न्यूट्रिशन को क्या करने लगेगा, एब्जॉर्ब करने लगेगा। और किस प्रोसेस से एब्जॉर्ब करेगा, डिफ्यूजन। तो ये जनरल बॉडी सरफेस से ही जो है न्यूट्रिशन को आपका क्या करने लगेगा, एब्जॉर्ब करने लगेगा, ठीक है ना। ये एक क्या होता है, पैरासाइट का एडाप्टेशन होता है, ठीक है। चौथा अगर मैं आपको पैरासाइट का एडाप्टेशन की बात करूं, डेट इज अ थिक
ट्यूगमेंट, ये थिक ट्यूगमेंट क्या होता है, ये एक प्रोटेक्टिव लेयर होता है ओवर द बॉडी ऑफ पैरासाइट। देखो ये पैरासाइट कितना चालू होते हैं, ठीक है ना, मतलब मान लो ये एक वॉर्म है, ये एक फ्लैट वॉर्म है, इसके बॉडी के ऊपर थिक ट्यूबमेंट होगा, एक प्रोटेक्टिव कवरिंग होगा, एक प्रोटेक्टिव कवरिंग होगा आपका इस तरह से। अब जब ये मुंह में जाएगा तो सलाइवा भी, ये जो प्रोटेक्टिव कवरिंग है सलाइवा भी इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। स्टमक में पहुंच गया, स्टमक में भी एचसीएल इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अब जब ये स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा तो ये थिक ट्यूबमेंट से आपका क्या होगा, बाहर आएगा, ये तभी आपका थिक ट्यूबमेंट से जो है बाहर आएगा, क्योंकि अब स्मॉल इंटेस्टाइन में इसको मारने वाला कोई चीज है ही नहीं ऐसा एंजाइम, ठीक है ना, और तब जाके फिर ये न्यूट्रिशन लेगा और ग्रो करना स्टार्ट कर देगा। तो दिस इज द थिक ट्यूबमेंट जो इनको एंजाइम वगैरह से, होस्ट के बॉडी के एंजाइम वगैरह से इसको बचाता है। दीज आर द पैरासाइटिक एडाप्टेशन। इस तरह से अगर कोई पैरासाइट किसी एनिमल के बॉडी के अंदर चला जाता है तो वो सक्सेसफुली वहां पर सर्वाइव कर सकता है बिकॉज ऑफ दिस पैरासाइटिक एडाप्टेशन। आया समझ में? ओके बच्चों, मेरा क्लास करके कैसा लगता है, समझ में आता है कि नहीं पता नहीं, मेरे को थोड़ा बताओ यार, समझ में आ रहा है कि नहीं? समझ में आ रहा है मेरा क्लास करके बच्चों? मेरे को लग रहा है बहुत सारे बच्चों का प्रॉब्लम भी हो रहा है शायद। क्या प्रॉब्लम हो रहा है थोड़ा मेरे को बताओ, और समझ में आ रहा है तो भी बताओ। और बच्चों एक और बात मैं आपको बताऊंगा, ठीक है ना, हम अब देखो थ्योरी तो पढ़ रहे हैं लेकिन क्वेश्चन सॉल्व करना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, तो हम क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। डीपीपी में लाइव प्रैक्टिस कराता हूँ, मेरा एक और चैनल है, अपना खुद का चैनल है, मैं वहाँ पर जो है आपका क्या कहता हूँ डीपीपी प्रैक्टिस कराता हूँ। मैं कोशिश करूँगा आप लोगों का भी जो है डीपीपी प्रैक्टिस करा दूँ, ठीक है ना। ओके नेक्स्ट, अब हमने पैरासाइटिक एडाप्टेशन के बारे में पढ़ लिया, ठीक है, नेक्स्ट जो है यहाँ पर एक्सक्रीशन के बारे में पढ़ते हैं अब हम लोग। अब यहां पर एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट मिल जाएगा जो नीट में पूछा जाता है, एक्सक्रीशन के लिए इनमें कुछ स्पेशल सेल डेवलप हो जाते हैं बच्चों, ठीक है ना, दे हैव स्पेशल सेल। व्हिच हेल्प्स इन एक्सक्रीशन, एक स्पेशल सेल है जो एक्सक्रीशन में हेल्प करते हैं, और उन सेल का नाम क्या है, द नेम ऑफ दो सेल्स आर योर फ्लेम सेल्स। बस इस सेल को दिमाग में छाप लीजिए अभी आप, जैसे मैंने कहा था ना लैडर लाइक नर्वस सिस्टम को दिमाग में छाप लो, तो प्लेटी हेलमेंथिस में एक्सक्रीशन में कौन हेल्प करता है, फ्लेम सेल्स, वेरी इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो जरूर मिलेगा आपको, ठीक है ना। इन फ्लेम सेल्स को एक और नाम से भी जाना जाता है, सोलेनोसाइट्स के नाम से भी जाना जाता है, और सोलेनोसाइट्स, इनको सोलेनोसाइट्स के नाम से भी जाना जाता है, एक और नाम से भी जाना जाता है प्रोटोनेफ्रिडिया। तीन नाम से जाना जाता है, ठीक है ना, प्रोटोनेफ्रिडिया, सोलेनोसाइट्स और फ्लेम सेल्स, सेम ही चीज है, लेकिन जो टर्म यूज में लिया जाता है, क्वेश्चन में पूछा जाता है जो टर्म, दैट इज योर फ्लेम सेल। फ्लेम सेल कहाँ मिलता है, प्लेटी हेलमेंथिस में। क्या काम है भाई इसका, एक्सक्रीशन में हेल्प करता है। तो धीरे धीरे देखो अब एनिमल्स में जो है स्पेशलाइज कैरेक्टर्स जो है आपके डेवलप होना स्टार्ट हो रही हैं, ठीक है ना। अब चलो बात करते हैं रिप्रोडक्शन के बारे में। अगर रिप्रोडक्शन के बारे में बात करें तो यहां पर जो एनिमल्स होंगे दे आर योर हर्माफ्रोडाइट, ओके, तो मोस्टली हर्माफ्रोडाइट वर्ड यूज करना पड़ेगा, क्योंकि कुछ एनिमल ऐसे भी हैं जो हर्माफ्रोडाइट नहीं है आपके, ठीक है ना, तो फ्लैट वर्म्स आर हर्माफ्रोडाइट। और हर्माफ्रोडाइट क्या होता है भाई, मैं आप लोगों को बोल चुका हूं, हर्माफ्रोडाइट का मतलब होता है कि वो है एनिमल जिसमें मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम दोनों ही प्रेजेंट है।
हालांकि इनमें सिस्टम नहीं है, लेकिन कुछ सेल्स जरूर होंगे जो मेल गैमेट और फीमेल गैमेट दोनों को ही ये क्या कर रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं आपका, ठीक है ना। लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन आ जाता है, एक्सेप्ट सिस्टोसोमा। सिस्टोसोमा एक ऐसा प्लेटी हेलमेंथिस है जो हर्माफ्रोडाइट नहीं है आपका, ठीक है ना। सिस्टोसोमा जो है ये यूनिसेक्सुअल है, इसीलिए ये एग्जाम्पल आपका इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। सारे के सारे प्लेटी हेलमेंथिस क्या है यहां पर, हर्माफ्रोडाइट है एक्सेप्ट सिस्टोसोमा। सिस्टोसोमा यूनिसेक्सुअल है, मतलब कि सेक्सेस आर सेपरेट, और ये जो सिस्टोसोमा है इसमें आपको सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म भी देखने को मिलेगा। अब एक और नया टर्म आ गया, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म, है ना। देखो सिंपल सी बात है, डाई मतलब हो गए दो, और मॉर्फिज्म वर्ड आया है मॉर्फोलॉजी, मतलब स्ट्रक्चर दिखने में कैसा है। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म मतलब कि मेल दिखने में अलग होगा और फीमेल दिखने में अलग होगा, उसको कहते हैं सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। ह्यूमंस में भी हम लोग भी यूनिसेक्सुअल हैं, और हम में भी सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म देखने को मिलता है। हमारी फीमेल्स दिखने में अलग होती हैं, हमारे मेल्स दिखने में अलग होती हैं। लेकिन हम लोग पढ़ेंगे कुछ फाइलम ऐसे पढ़ेंगे जिन जो यूनिसेक्सुअल तो होंगे, जिनमें सेक्सेस तो सेपरेट होंगे, लेकिन उनमें सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म नहीं होगा। आप बता नहीं पाओगे देख के कौन सा मेल है कौन सा फीमेल है। कॉमन एग्जाम्पल लेता हूँ, मछली सब खाते हो, है ना। तो कुछ मछली होती हैं जैसे कार्टिलेजियस फिशेस, कुछ होती हैं बोनी फिशेस, ठीक है। एक तरह का फिश आपको मिलेगा जिनमें आपको सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म देखने को नहीं मिलेगा, कि कौन सा मछली जो है आपका मेल है कौन सा फीमेल है आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन उनमें मेल फीमेल होता है, ठीक है ना। तो एनिमल किंगडम के बारे में बच्चों बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें जो आगे और भी आ रही हैं, ध्यान बनाए रखिए खाली अपना, ठीक है ना। तो चलो एक्सेप्शन मैंने बता दिया, सिस्टोसोमा, इसको ड्रॉ कर दे क्या, सिस्टोसोमा को जो इसको ड्रॉ करते हैं हम लोग, ठीक है ना। बढ़िया सा डायग्राम ड्रॉ करते हैं इसका, ताकि ये याद ही रह जाए एक्सेप्शन आप लोगों को। सिस्टोसोमा ड्रॉ किया जाए। बच्चा बोर हो रहे हो क्या? बोर एकदम नहीं होना है, ठीक है, एकदम इंटरेस्टिंग इंटरेस्ट बनाए रखिए। ये हो गया मेल, ये अपना हो गया मेल, ठीक है ना। और मेल के बॉडी में कैविटी होता है, एक खाली जगह होती है मेल के बॉडी में, जिसको कहते हैं हम लोग गाइनेकोफोरिक कैनल। ओके, दिस इज नोन एज गाइनेकोफोरिक कैनल। गाइनेकोफोरिक कैनल, ये। और इसी गाइनेकोफोरिक कैनल में जो है रहती है फीमेल, और ये परमानेंटली इसी कैविटी में ही रहती है हमेशा फीमेल, ठीक है ना। ये हमेशा इसी गाइनेकोफोरिक जो भी कैविटी है, कैनल है आपका, यहीं पे आपको जो हमेशा फीमेल देखने को मिलेगी। तो इनमें मेल फीमेल अलग हो गए, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म दोनों दिखने में अलग अलग है, लेकिन दोनों जो है हमेशा एक साथ रहते हैं, ठीक है ना। कहां रहते हैं? मेल के बॉडी में ये कैविटी होता है जिसको गाइनेकोफोरिक कैनल कहते हैं, जिसमें आपको क्या देखने को मिलेगा, फीमेल। ये क्या है? सिस्टोसोमा है, जो एक एक्सेप्शन है। किसका एक्सेप्शन है? प्लेटी हेलमेंथिस का एक्सेप्शन है, ये हर्माफ्रोडाइट नहीं है, ये यूनिसेक्सुअल है। इसको हम लोग ब्लड फ्लूक भी कहते हैं सिस्टोसोमा को, मैं थोड़ी देर बाद आपको बताऊंगा ये, ठीक है ना। ओके, नेक्स्ट हम लोग जो है आगे की तरफ, अब रिप्रोडक्शन के बारे में अगर हम डिस्कस कर ही रहे, तो रिप्रोडक्शन के बारे में और थोड़ी सी मैं आपको बातें बता दूं यहां पर। तो अब इनमें जो आपको रिप्रोडक्शन देखने को मिलेगा, वो आपको मेनली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलेगा, मेनली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन।
ठीक है ना। मेनली आपको इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलेगा, और कुछ ऐसे भी होंगे जो एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेंगे, सम रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली, जैसे कि अपना प्लेनेरिया हो गया। प्लेनेरिया आपका क्या करेगा, ये एसेक्सुअली आपका रिप्रोडक्शन करेगा, ठीक है ना। मेरे ख्याल से समझ पा रहे हो बच्चों आप लोग यहां पर, है ना। हम लोग बात कर रहे हैं किसके बारे में, वी आर टॉकिंग अबाउट दिस रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन में मैंने बताया सारे के सारे जो आपके प्लेटी एलिमेंट्स क्या हैं, हर्मोफ्रोडाइट है, और वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेंगे, मतलब कि उनमें गेमेट का फॉर्मेशन होगा और गेमेट फ्यूज होंगे, तो दैट इज द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एक एक्सेप्शन है सिस्टोसोमा, जो अपना क्या है यूनिसेक्सुअल है, और इसमें क्या है मेल और फीमेल आपके क्या सेपरेट है, इनमें भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। और कुछ ऐसे होंगे जैसे कि प्लेनेरिया, ये आपका क्या करते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं आपका, ठीक है ना। फर्टिलाइजेशन के बारे में अगर बात करें तो फर्टिलाइजेशन जो इनमें होता है इंटरनल फर्टिलाइजेशन आपको देखने को मिलेगा, मतलब कि बॉडी के अंदर ही इनमें क्या होता है फर्टिलाइजेशन होता है, बॉडी के अंदर ही जो है मेल गैमेट और फीमेल गैमेट बनते हैं और वहीं पर ही फर्टिलाइजेशन आपका होगा, ठीक है ना। क्योंकि ये एंडोपैरासाइट होता है मैक्सिमम, तो ये जो है अगर ये एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन करेंगे तो कहाँ, होस्ट के बॉडी में करेंगे, होस्ट के बॉडी में इनका जो है चांसेस क्या होगा फर्टिलाइजेशन का कम हो जाएगा, क्योंकि होस्ट के बॉडी में इनके जो एग वगैरह हैं या फिर इनका जो फीमेल या मेल गेमेट है वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा आपका, क्योंकि वो बहुत डेलिकेट होते हैं आपके, ठीक है ना। नेक्स्ट अगर डेवलपमेंट के बारे में बात करें, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हो गया। नेक्स्ट अगर हम डेवलपमेंट के बारे में बात करें बच्चों, तो इनमें जो आपको है देखने को मिलेगा इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। मैंने आपको बोला था डेवलपमेंट दो तरह का होता है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट इनमें आपको इनडायरेक्ट डेवलपमेंट मिलेगा विथ कॉम्प्लिकेटेड लाइफ साइकिल, विथ कॉम्प्लिकेटेड लाइफ साइकिल हैविंग मैनी लार्वल स्टेजेस, मतलब इनमें जो है आपको एक ही एनिमल के बहुत सारे लार्वा बनते हुए नजर आएंगे, ठीक है ना। तो इतना जानना है आपको किसके बारे में, इनके बारे में हम क्लासिफिकेशन करेंगे और दो एनिमल का मैं लाइफ साइकिल बताने वाला हूँ, ठीक है ना। तो इनमें मेनली हमने डिस्कस किया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, कुछ एनिमल आपको जैसे प्लेनेरिया उनमें आपको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलेगा बच्चों, फर्टिलाइजेशन हो रहा है इनमें इंटरनल, और डेवलपमेंट होता है इनमें क्या इनडायरेक्ट डेवलपमेंट आपको देखने को मिलेगा, और जो लाइफ साइकिल होता है वो कॉम्प्लिकेटेड होता है इनमें, और उसमें आपको बहुत सारे लार्वल स्टेज देखने को मिलेंगे, मतलब कि एक ही एनिमल के एडल्ट होने तक तीन चार लार्वा आपको देखने को मिलेंगे। जनरली हमको एनिमल्स में एक दो ही लार्वा देखने को मिलता है, ठीक है ना। ओके, तो लेट्स डू द क्लासिफिकेशन और फिर हम आपको जो है कुछ एनिमल्स के बारे में बताते हैं इनके, ठीक है ना। तो बच्चों एक काम करते हैं, नहीं तो इस क्लास को यहीं पे एंड कर देते हैं हम लोग, ठीक है ना। और अगले क्लास में मैं आपको प्लेटी हेलमेंथिस का क्लासिफिकेशन बताऊंगा, और क्लासिफिकेशन के साथ साथ जो है दो एनिमल्स का हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर लाइफ साइकिल को डिस्कस करेंगे, ठीक है ना बच्चों। तो अगला लेक्चर भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा लेकिन, ओके। तो मेरे ख्याल से लेक्चर अभी आपको अच्छा लगा, समझ में आ रहा होगा, तो लेक्चर को अगर अच्छा लगा तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइए मेरे को, ओके। और फिर अगले लेक्चर में मिलते हैं फिर बच्चों, ओके, थैंक यू, पढ़ाई करते रहिए अच्छे से, ओके।